एक्सरसाइज 52 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट इनटू मीटर्स इन डेसिमल, इसका आंसर जो है डेसिमल में आएगा और मीटर में हमको कन्वर्ट करना है। तो डेसीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर इस तरह से मतलब मिला जुला के दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ देखते हैं। मीटर में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को डेसीमीटर में है, डेसीमीटर से मीटर जाने में, तो डेसीमीटर से मीटर जाने में एक स्टेप लगता है, मतलब 1 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो 10 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर होता है। यहाँ पे हम लोग डेसीमीटर में है, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर लेते हैं, 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना मीटर हो गया, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू हो गया 1/10 मीटर हो गया। तो हमारे पास कितना है, 4 डेसीमीटर है। इक्वल टू कितना हो गया, ये इस तरह से हो जाएगा, 10 × 4 हो गया, तो इसका मतलब है कि 4 यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 × 4 हो गया और 2 × 5 = 10 हो गया, मतलब कितना आ गया इसका, 2/5 हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, 2/5 जो है, तो 5 रखेंगे तो हमको पॉइंट में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इसको डिवाइड करेंगे तो हालांकि उतना ही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 10 अगर है हमारे पास तो 10 ही रखेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 यहाँ है, 4 इसका वैल्यू इसके बराबर सेम है, तो यहाँ पे 10 है तो 10 है, 10 है तो जो हमारे पास नंबर है ठीक उसके बाद जो है पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4 हो गया, डायरेक्ट मिल गया हम लोग को इस तरह का आंसर, 0.4। तो ये जो है मीटर में आ गया, 0.4 मीटर, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर में हम लोग को जाना है, इक्वल टू सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर और डेसीमीटर के बाद मीटर, मतलब दो स्टेप चल रहा है, तो हम लोग को 1/100 हो जाएगा, यहाँ पे 1/100 मीटर हो जाएगा। अब इसको हमारे पास 5 है, 5 सेंटीमीटर तो इक्वल टू कितना हो गया, अब डायरेक्ट लिखते हैं 5/100, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 1, 2 इसके बाद 2, 1, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब हो गया 0.05 कितना मीटर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का नेक्स्ट पार्ट है सी ओ डी, इसमें क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है और हम लोग को मीटर में जाना है। तो सेंटीमीटर से मीटर जाने में 100 का फासला होता है, 2 स्टेप होता है। तो 1 मेरे पास जो पहले है उसको लिखेंगे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर हो गया, 1/100 मीटर। तो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 12/100। डायरेक्टली इसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा, लेकिन सिस्टम से अगर हम लोग बनाएंगे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको जो है 1, 2 दो नंबर के बाद जो है इधर से 1 स्टेंस के बाद जो है पॉइंट दे देना है, इसका मतलब क्या हो गया, 0.12 मीटर आंसर हो गया। इस तरह से यह भी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। अब यहाँ पे है 5/4 सेंटीमीटर इक्वल टू 5/4/100। 100, 1, 2 2 0 है तो यहाँ से 1, 2 2 0 के बाद इसका मतलब कितना हो गया, 5.54 मीटर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट और एफ है हमारे सामने। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे मीटर में हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, ऑलरेडी यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, देख रहे हैं, और यहाँ भी दिया हुआ है, ऑलरेडी मीटर दिया हुआ है, तो हमको इसको सिर्फ चेंज करना है। तो डेसीमीटर से मीटर में जाएंगे हम लोग, तो ये छोटा से बड़ा जाने में हम लोग डिवाइड करना पड़ता है, तो वही सिस्टम है। यहाँ पे 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 स्टेप जाता है, तो यहाँ डिवाइड होगा तो 1/10 हो गया, ठीक है, 1/10 मीटर हो गया। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 1 ही है, 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, और इसको जो पॉइंट में आ जाएगा ये, तो इसको पॉइंट में लाएंगे तो क्या होगा, 0.1 होगा मीटर हो जाएगा, 0.1 मीटर। तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 मीटर ऑलरेडी हमारे पास है प्लस, और हम लोग को इसको 0.1 मीटर को ऐड कर देते हैं इसमें, तो आ जाएगा ये 5.1 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एफ नंबर को भी सॉल्व करेंगे, इसको हमको चेंज नहीं करना है, इसको करना है। तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 1/100 हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो हमारे पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया, 7/100, मतलब 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद इधर से पॉइंट लगाएंगे तो 0.07 हो जाएगा, और ये मीटर हो जाएगा 0.07। तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 18 मीटर दिया हुआ है, प्लस कर देंगे इसमें 0.07,
मीटर, कितना हो गया 18.07 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट इसमें बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व नहीं, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसको करना है। सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम लोग मीटर में जाना है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 बाय 100 मीटर, तो हमारे पास है 19 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 बाय 100, तो इक्वल टू कितना होगा दो डिजिट के बाद, तो दो डिजिट है यहाँ पे, तो 0.19 मीटर हो गया। अब यहाँ पे 9 ऑलरेडी हमारे पास है, 9 मीटर है प्लस 0.19 मीटर, कितना हो गया इसका, इसका आंसर आ जाएगा 9.19 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।